पापा को एक कमरे में बंद करने का नतीजा देख लिया ना। बहुत ही स्टूपिड आइडिया था। अभीरा को समझना पड़ेगा कि ये सब हरकतें वो नहीं कर सकती। और अभीरा को मैं समझाऊंगी। तुम जाके पापा को समझाओ। पापा इस फाइन मुझे अभीरा से बात। एक्शन। वाह, सब लोग कितना प्यार करते हैं ना मुझसे। हर जगह मेरे लिए झगड़े हो रहे हैं। माँ और पापा को अंदर बंद करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम भी तो वही चाहते थे ना? तुम अभी भी तो वही कह रहे थे। डाइनिंग रूम में भी तुमने यही कहा था, राइट? मतलब तुम छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी। और तुम जो दिन रात हमारे कमरे के बाहर मंडराती रहती हो मैडम, उसका क्या? और आज से नहीं, हमेशा से। अभीरा, व्हाटएवर, मुझे सोना है। निकल जा। थैंक यू सो मच। आपने तो सब देख ही लिया है। अभी मैं क्या ही बोलूँ, मैं यही हो रहा है यहाँ पर जहाँ पर अभीरा वापस घर लेकर आए हैं कल, और आते ही अभीरा ने अपने हिसाब से इस घर में जीना शुरू कर दिया, जो कि लोग बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उस वजह से उसको चोट भी लग जाती है। चोट लगने के बाद भी वो मान नहीं रही है माँ पापा को पास साथ में लाने के लिए। उसने उनको रूम में लॉक कर दिया। ये सब चीज़ें उसकी देखकर दादी सा और फूफा सा डिसाइड करते हैं कि बहुत हो गया उसका, उसको हम अभी डिवोर्स टाइम हो गया, मतलब अभी डिवोर्स करवा दो इनका। तो उस वजह से दादी सा अरमान के सामने डिवोर्स पेपर्स रखती हैं, जो कि अरमान के लिए एक बहुत ही शॉकर है कि डिवोर्स की बात कहाँ से आ गई। अभी तो उसको चोट लगी है, 3 महीने तो अभी बचे हैं, और वो चाहता भी नहीं है कि यू नो अबीरा अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले घर से जाए। तो वो सीन चल रहा था। हाँ, वो वही सीन था जहाँ पर अबीरा जब उनको मॉम डैड को रूम के अंदर लॉक कर देती है, उसको बहुत समझाने के बाद भी कि ऐसा मत करना, तो जब दरवाज़ा खुलता है तो बहुत नाराज़ हो जाती है माँ। और तब वो यही बात थी कि उसका बहुत ही गलत आइडिया था ये। और जब वो देखती है कि रूही और ये दोनों बात कर रहे हैं, तो वो बाहर आकर बोलती है कि मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, दिस एंड दैट। तो अरमान उस पर गुस्सा भी होता है, बट अबीरा आजकल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। या आई स्वेयर, बहुत ही अच्छे लगते हैं सारे एडिट्स। हम लोगों को ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है, बट जैसे ही शॉर्टकट होता है, जैसे ही आप फ़ोन ऑन करते हो, तो ऑब्वियसली सबसे पहली ऐप इंस्टाग्राम ही होती है। उस पर आप जाके देखते हो, इतने सारे नोटिफिकेशंस, इतने सुंदर सुंदर एडिट्स बनाते हैं वो लोग, इतनी मेहनत करते हैं। हम लोगों को रील डालनी होती है, कोई पिक्चर एडिट करनी होती है, इतना टाइम लग जाता है। बट इतनी अच्छी एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग करना, बहुत ही आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। इतनी मेहनत करते हो आप लोग, इतना टाइम हमारे लिए डेडिकेट करते हो शो देखने के अलावा। सो थैंक यू सो मच एवरी वन, जस्ट कीप शावरिंग योर लव ऑन अस द वे यू आर डूइंग, एंड वी फील दैट वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू एज फैंस। हाई, दिस इज़ रोहित पुरोहित एंड यू वॉचिंग मी ऑन टेलीबूस्टर्स।